फैसला हो या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विछंड, पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा, कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है, ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की यह जमानत आज पूरे देश के सामने यह साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब मैं चाहूंगी कि संदीप जी और सौरभ जी अपनी बात रखें। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। कई फैसले ऐसे होते हैं जो देश के लिए एक दिशा निर्धारण का काम करती है। आज जो फैसला आया है वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि जो तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर देता। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इस पर स्पेशल कोर्ट, पीएमएलए स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर को पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदेह नहीं रहेगा कि भाई ये केस क्या है। उस ऑर्डर में 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट लिखी हुई है। पहला कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, दूसरा पैसे की कहीं 1 चवन्नी की बरामद नहीं हुई है, तीसरा अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी का दूर दूर से किसी चीज में कोई नाता ही नहीं है, जब करप्शन ही नहीं है इस पे तो नाते का सवाल ही नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें ईडी के इंटेंट को ये मार्क करने वाली बात है
कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के इंटेंट पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है कि ईडी जो है बड़े एक मैलिफाइड इंटेंट के साथ काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है जब कोई एक एजेंसी अपने खोटे नियत के साथ किसी पक्ष के साथ व्यवहार करती है तो वो बहुत गंभीर विषय हो जाता है। स्पेशल कोर्ट के बाद मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े प्रश्न पर विचार किया जा रहा था और बड़ा प्रश्न क्या था? वो बड़ा प्रश्न ये था कि क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट इल्लीगल है? तो कोर्ट ने अपने तरीके से अध्ययन करके इसको बड़े बेंच के पास भेजा है। जो भी होगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा, दिशा निर्धारण होगा आगे, लेकिन कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट किया है अरविंद केजरीवाल जी को। अब आपको ये समझना होगा कि पीएमएलए में जब सारे तथ्य और साक्ष्यों को देखकर सभी सबूत ये जो दिए हैं उसको एग्जॉस्ट करने के बाद ही ऐसे इंटरिम बेल या बेल दिए जाते हैं। तो मेरा ये सबमिशन है भारतीय जनता पार्टी से कि हर कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ रही है और ये केस सिर्फ आपके द्वारा रचित एक सर्कस है। तो इस सर्कस को बंद करिए। देश का और जनता का और खास करके दिल्ली की जनता का समय व्यर्थ ना करें। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक ही चीज दिया है। हर व्यक्ति का हर कार्यकाल की एक देन होती है कि भाई इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसके कार्यकाल में क्या मिला। तो भाजपा के मोदी जी और अमित शाह के कार्यकाल में एक ही चीज मिला है उस देश को और वो है ये तानाशाही की ऐसी व्यवस्था जिसमें जिस राजनीतिक दल और राजनेता को ये सामने से हरा नहीं सकते या उनको उनका सामना नहीं कर सकते, उनको गलत तरीके से फ्रॉडुलेंट तरीके से षड्यंत्र करके जेल में डालना या उनको फंसाना, इसको बंद करना चाहिए। देश का बहुत समय व्यस्त हो रहा है, हमें नई राजनीति करनी है, देश को आगे लेकर जाना है। हम सब मिलकर जब अच्छी राजनीति करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मेरा ये फिर से रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से कि ये गंदी राजनीति से बाहर आइए और अच्छी राजनीति करिए। मैं चाहूंगा कि सौरभ जी भी थोड़ा सा इस पर अपनी विचार रखें। आज जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस संदीप खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से पहले अपना ऑर्डर रिजर्व किया उसको आज उन्होंने सुनाया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल थे कि अगर ईडी पीएमएलए एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 19 अरेस्ट करती है और अंडर सेक्शन 45 कोर्ट उसके अंदर बेल की बात सोचता है तो सेक्शन 19 के अंदर जब ईडी जो एक एजेंसी है वो अरेस्ट करती है तो उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई तय सिद्धांत नहीं है किस पे वो अरेस्ट कर रहे हैं और वो सेक्शन 19 बेसिकली उन अफसरों की ओपिनियन है। तो अगर किसी कानून के अंदर बेल के प्रावधान इतने सख्त हैं जितने सेक्शन 45 में है तो उसमें अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात बात पे अरेस्ट कर ले और फिर बेल ना दें। अगर बेल आसान है किसी कानून में तो उसमें अरेस्ट भी आसान होती है और अगर कानून में बेल मुश्किल है तो उसमें अरेस्ट होने भी क्या लगा लो कनेक्टेड तो है नहीं, इसको बिना कनेक्ट करे कर लेंगे। सारा लाइव चल रहा है। तो बेल के सिद्धांत ये है कि अगर बेल मिलना किसी कानून के अंदर कठिन है तो उसके अंदर अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीड एंड नेसेसिटी ऑफ बेल के बारे में कहा और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये कही कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी करीब 90 दिन से ज्यादा पहले ही जेल में रह चुके हैं, लिहाजा उनको इंटरिम बेल दी जाए। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मुकदमा है, ऐसे में वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं ये फैसला कोई कानून कोई कोर्ट नहीं कर सकता, ये फैसला स्वयं वही कर सकते हैं, लिहाजा
इसके अंदर कोई कानूनी बंदिश नहीं है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कूद रहे थे कि साहब वो उनके ऊपर मुकदमा हो गया, वो अरेस्ट हो गए, तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वो हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट ने भी यही बात कही और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं कर सकता। ये बात आपके सामने रखी और मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो इस केंद्र सरकार के अत्याचार से पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और खास तौर पे पीएमएलए के कारण उनके ऊपर अलग अलग मौकों पे अत्याचार किया जा रहा है। देखिए मैं ये समझता हूँ जुडिशरी भी आपके समाज का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जिसको चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मुकदमों के अंदर फंसाती है, मुकदमों में फंसाने के बाद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाला जाता है, जेल में डाल के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि यदि वे भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए तो उनके ऊपर वो मुकदमा कमजोर कर दिया जाता है, छापे भी इस तरीके से डाले जाते हैं। अब ये बात लगभग साफ हो गई है न्यायालयों के सामने कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आम पुष्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना से केंद्र सरकार लगा रही है। तो कोर्ट इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हेमंत सोरेन जी की बेल जो है हाई कोर्ट से हुई, अरविंद केजरीवाल जी की बेल तो लोअर कोर्ट से ही हो गई थी आप देख सकते हैं, मगर जिस तरीके से ईडी रातों रात भागी, हाईकोर्ट के जज साहब ने बिना हाईकोर्ट का फैसला आए, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, जिस जज ने हाईकोर्ट का फैसला ही नहीं पढ़ा उसको यही नहीं मालूम कि लोअर कोर्ट ने किस बात पे बेल दी है, लोअर कोर्ट ने क्या दलीलें मानी है, क्या दलीलें खारिज की है, उस फैसले को बिना देखे हाईकोर्ट के जस्टिस साहब ने जो है उसके अंदर रोक लगा दी थी। तो वो भी जो मैसेज जो है मुझे लगता है पूरे समाज और जुडिशरी में गया है और ये बात साफ है कि केंद्र सरकार एक विच हंटिंग कर रही है। लेकिन अभी सीएम बाहर नहीं आ पाएंगे 17 जुलाई को। देखिए वो तो आतिशी जी ने भी बताया कंसोलिडेट करेगा उनकी। देखिए बार बार पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी, पीएमएलए में मिलती नहीं है, उन्हें मिली, फिर लोअर कोर्ट में न्याय बिंदु जी ने उनको बेल दी, अब देश की हाईएस्ट कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी। आप इस बात को समझिए जैसे ही न्याय बिंदु जी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी थी, ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई थी कि अब गई भैंस पानी में, अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सीबीआई जो है रातों रात अरविंद केजरीवाल के यहां गई तिहाड़ के अंदर, उनको उन्होंने अरेस्ट किया, दो दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए जो है 3 दिन की उनकी जो है इंटरोगेशन करी, अब जो है ये कह दिया कि जी इन्होंने सीबीआई ने भी इनको अरेस्ट कर रखा है सिर्फ इसलिए कि कहीं गलती से अरविंद केजरीवाल जी की बेल सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो उनको उसके बाद भी जो है जेल में रखा जाए। बट मैं ये मानता हूं पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है, वो मोटे तौर पे सीआरपीसी से गवर्न होता है जिसके अंदर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। इस सीबीआई की बेल के अंदर सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों रखना है, ईडी और पीएमएलए के मामले में जो एक्यूज होता है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं। तो इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सीबीआई के ऊपर है और मुझे लगता है सीबीआई में तो बहुत सारे जो एक्यूज हैं एक्साइज केस के अंदर उन सबको बेल मिल रखी है, वो सिर्फ पीएमएलए के अंदर जो है उनको बेल नहीं मिली थी जिसकी वजह से वो जेल में थे। तो इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक सम टाइम कि ये सीबीआई की बेल के अंदर जब मामला आएगा तो हमें उम्मीद है उनको बेल मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा करने वापस जो है लौटेंगे।